सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कंसोल परचेज करना चाहिए PS5 और PS5 सिम। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि GTA 6 का ट्रेलर रिलीज आउट हो चुका है और एक न्यूज़ निकल कर आई है जो ऑफिशियली रॉकस्टार की तरफ से निकल कर आई है कि जो GTA 6 है वो पहले एक साल तक सिर्फ और सिर्फ कंसोल के ऊपर ही रहेगा। अगर आप PC में खेलना चाहते हो तो आपको एक और साल वेट करना पड़ेगा, जिस वजह से कंसोल की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो आज की डेट में काफ़ी सारे कंसोल अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो है हमारा प्लेस्टेशन। प्लेस्टेशन की इस वक्त प्लेस्टेशन 5 सीरीज चल रही है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आपको आई बटन के ऊपर शो हो जाएगी, आप जाकर चेकअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी प्लेस्टेशन का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है PS5 Slim, जो कि अभी हाल ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन वो एकदम तड़का मचा रहा है आज की डेट में। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप एक कंसोल परचेज करना चाह रहे हैं, स्पेशली PS5 की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, जो ओल्ड वाला वर्जन चल रहा है PS5 का, या फिर PS5 जो नया एडिशन आया है, उस दोनों में से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं हमारे प्लेस्टेशन 5 जो पुराना एडिशन की। तो इसका साइज अप्रॉक्स 2.5 फीट के अराउंड इसका साइज होता है और ये काफ़ी हैवी होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट अराउंड 3 kg के तकरीबन होता है। इसमें आपको स्टोरेज एक्सपेंशन की ऑप्शन मिलती है, आप इसमें Gen 4 SSD लगाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी के साथ ही ये काफ़ी बढ़िया है। आज की डेट में भी लोग इसको खरीद रहे हैं। इसका प्राइस अभी आपको 54,000 में मिलेगा, लेकिन सेल कभी कभार आती है तो तब इसका प्राइस अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 47,000 के तकरीबन चले ही जाता है, जो कि ठीक है। एक प्ले स्टेशन आप कंसोल परचेस करना चाह रहे हैं तो इतना तो आपका बजट होना ही चाहिए। अगर आप स्पेशली GTA 6 खेलना चाहते हैं, वो भी लैग फ्री, तो आप इसके ऊपर बड़े आराम से खेल सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा कंसोल एडिशन। अभी जो नया एडिशन आया है वो देखिए, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है जो नया एडिशन लॉन्च हुआ है, ये अभी इंडिया में आया नहीं है, इंडिया में आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये फॉरेन में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो मैं सब भी आपको बताऊँ फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें देखिए, इसका साइज़ एक तो पहले से स्लिम कर दिया गया है, ऊपर से जो इसका डिजिटल एडिशन और कंसोल एडिशन में ज़्यादा डिफरेंस रह ही नहीं गया है, क्योंकि आप ये जिसे साइड वाला DVD ड्राइवर है इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इस वाले में का पक्का फिक्स होता था, आप देख सकते हैं, पिक्चर को भी देखकर पता अंदाजा लगा ही सकते हैं, जो क्योंकि इसका आप देख सकते हैं जो डिजिटल एडिशन होता है उसमें आपको DVD ड्राइवर नहीं मिलता, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा कम है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली टू मी, क्योंकि आप ना कोई सेकेंड हैंड CD परचेस करते हैं, ना ही कोई और चीज़ें परचेस करके इस तो गेम खेल सकते हैं। और प्लेस्टेशन 5 की जो गेम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है अगर आप उसको प्लेस्टेशन के स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को प्रेफर करता हूं कि अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई भी कंसोल तो डिस्क एडिशन वाला लें, और ऊपर से आप देख सकते हैं इसका डिस्क एडिशन पूरी तरह से नाल जुड़ा है, आप इसको उतार नहीं सकते, लेकिन इस वाले में आप इसको निकाल सकते हैं। ऊपर से इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है और आप इसको बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट है आज की डेट में। तो मैं आप सभी को प्रेफर करूँगा कि आप अगर आज की डेट में कंसोल लेना जा रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लें, क्योंकि प्लेस्टेशन 5 कंसोल जो मिनी वाला स्लिम वर्जन आ चुका है वो परफॉर्म भी डिजिटल वाले या कंसोल वाले से बढ़िया कर रहा है, और ऊपर से स्टोरेज एक्सपेंशन की ऑप्शन इसमें भी मिलती है, 8K लेवल की गेमिंग ये भी प्रोवाइड कर सकता है, और वो भी दोनों में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इतना ही डिफरेंस है कि उसको कैरी करना आसान है, वो स्लिम है, और ऊपर से उसका जो DVD ड्राइवर है इसका निकल जाता है। तो मैं आप सभी को प्रेफर करूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप स्लिम वाले की तरफ वेट करें, क्योंकि इसका आपको प्राइस देखिए, अगर $40.99 को अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दूं, तो इसका प्राइस अराउंड 41,000 के अराउंड पड़ जाता है अगर आप बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के चार्जेस तो अलग से देने पड़ेंगे, तो उसका आप देख सकते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है आउट ऑफ इंडिया, तो आप उसको 41,000 के ऊपर एक वेट कर PlayStation 5 Slim ले सकते हैं, यानी कि डिजिटल एडिशन। तो कंसोल एडिशन तो देखिए 53,000 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
अगर ये इंडिया में भी लॉन्च होगा तो अराउंड इसका प्राइस 47,000 या 49,000 के अराउंड ही होगा। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि अगर आप आज की डेट में सच में लेने जा रहे हैं तो आप स्लिम की तरफ जाएं, ना कि बिग वाले वर्जन की तरफ। उसके लिए आपको अगर वेट करना है तो आप वेट भी कर सकते हैं। अराउंड आसपास रिटेलर के पास अभी ये अवेलेबल हो चुका है, कईयों ने बाहर से इंपोर्ट करवा कर सेल कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आई होप गाइस आपको हमारा इस ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।